सो है गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं देश की राजधानी नई दिल्ली से। दोस्तों आज हम यात्रा करेंगे भारत की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन में। आप सभी को तो पता है भाई, सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन थी हमारी लखनऊ न्यू दिल्ली, ठीक है, तेजस। और उसमें हम यात्रा को स्टार्ट करेंगे 3:40 पे, नई दिल्ली से टाइम है। लगभग दौड़ रही है, मुझे पता भी था कि ये गाजियाबाद के आगे आगे स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि भाई नहीं सर ये भी रख लो यार, काम ही आएगा। ये भैया एन के दे रहे हैं, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, फर्स्ट कॉपी होता है सर, ग्लास के अंदर। ये देखो, ये देखो कितने में आए, शॉप पे जाओगे 1200-1300 का, यहाँ 400 का दे दूँ आपको। ये भैया से ले लिया हमने चाय, तो पी लेते हैं उसको। लो जी दोस्तों, आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और ये हमारे पीछे लगी है भारत की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन, जिसको इंडियन रेलवे द्वारा चलाया गया था 4 अक्टूबर 2019 में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर इसके टाइमिंग की बात करें ना, तो भाई ये मंगलवार को छोड़ के हर दिन चलती है। चलने का टाइम है इसका 3:40 पे, ये नई दिल्ली से खुलती है। 512 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद सेम डे रात को 10:05 पे आपको लखनऊ जंक्शन पहुंचाती है। बाकी काफ़ी बढ़िया प्रीमियम गाड़ी है भाई, इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन। देखिए तेजस, क्या खतरनाक व्यू लग रहा है। बाकी दोस्तों 512 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको ये कवर करती है 6 घंटे और 25 मिनट में। लगभग 2 जगह पर रुकती है, गाजियाबाद 2 मिनट पर और कानपुर 5 मिनट पर। ये भैया लोड कर रहे हैं भाई इसमें खाने पीने का सामान। देखिए इसका जो गेट है वो मैन्युअली खोल रहे हैं, वैसे तो ऑटोमेटिक गेट है इसका। एंड ये खाने पीने का जो सर्व होगा ट्रेन में, वही लोड कर रहे हैं। देखिए अंदर से खोल दिया उन्होंने, देखिए। चलिए हम लोकोमोटिव दिखा देते हैं आपको कौन सा लगा है। तो ये लगा हमारी ट्रेन के साथ स्वैप 7, जो कि गाजियाबाद शाट का है। और यो इसको आज 130 तक दौड़ाएगा क्या भाई, भगा के लेके जाएगा। और अगर इसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर की एवरेज स्पीड रहने वाली है। बहुत ही बढ़िया एंड सुपर फास्ट गाड़ी है हमारी तेजस। दोस्तों ये आज का अपना कोच C3, तो चलिए इसमें चलते हैं। 50 नंबर हमारी बर्थ है, अब देखते हैं भाई विंडो साइड मिली है कि नहीं मिली है। बाकी ऐसा कुछ इंटीरियर है हमारी तेजस का, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे 3x2 का मिल रहा है। बाकी काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई अपनी तेजस अंदर से। 50 और ये हमारी 50 विंडो साइड मिली है हमें। बाकी बैग रख लेते हैं भाई ऊपर, ठीक है। और बैठने के लिए भाई देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ट्रे दी गई है, और यहाँ पे फुट रेस्ट, बॉटल होल्डर, आर्म रेस्ट, और बाकी इससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो जैसे कि मैंने अभी की है। बाकी काफ़ी बढ़िया लग रहा है बैठने से, अच्छी सीट की मतलब फोम अच्छा डाल रहा है। बाकी यहाँ पे एक यहाँ पे चार्जिंग शॉकर दिए गए हैं 2, सामने एक डिस्प्ले है जो कि स्टेशंस एंड ट्रेन के ट्रेन को इंडिकेट करती है, ऊपर रीडिंग लैम्प लाइट। अभी आपको रोलिंग ब्लाइंड कर्टन्स है, उसको कैसे यूज़ करना है वो दिखाएंगे, ठीक है, करो करिए। अभी नीचे करो उसको बटन को, वो वाले बटन को दबाना है ना, हाँ इसको ऐसे दबाना है और ये नीचे हो जाएंगे। देखिए चलिए, देखिए एंड ये भी ऑटोमेटिक डोर्स हैं, ये देखिए भाई काफ़ी साफ सुथरी ट्रेन है। 3:41 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन है जो तेजस वो निकल चुकी है नई दिल्ली से, लेकिन इसके जो डोर्स है वो अभी तक बंद नहीं हुए हैं, पता नहीं कब करेंगे।
देखिए डिपार्चर एंड भाई हो गया अपने आप डोर्स बंद। अब हम बाहर नहीं देख सकते, सॉरी बाहर देख नहीं सकते, बाहर का शूट नहीं, ऐसे हाथ निकाल के ना साउंड सुना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बाकी देखिए डिपार्चर अपने शेड्यूल टाइम पे डिपार्च किया, बट एक मिनट चलो कुछ नहीं होता, एक मिनट चलता है यार, तेजस। और देखना जो इसका डोर है ना ये अपने आप खुल जाएगा, ये देखो निकल गई अपनी ट्रेन। देखिए देखिए नई दिल्ली से डिपार्चर, अपने शेड्यूल टाइम पे डिपार्ट किया इसने। एंड ये भाई हमें न्यूज़पेपर मिला है ना, भारत टाइम। एंड देखिए रेल नीर हमें सर्व हो रहा है IRCTC स्टाफ के द्वारा, थैंक यू सर। सो उन्होंने पानी से किया भाई स्वागत, आइए भाई गिलास। अब पैसे वाली गेम खेल के पैसे कमाते हो ना, पैसे वाली है या ऐसे ही खेल रहे हो? अच्छा ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। कोच अटेंडेंट नहीं है? कोच अटेंडेंट आप? सिक्योरिटी। ये तो अपने आप बंद हो जाते हैं है ना, इसको अगर मैनुअली खोलना हो तो खोल सकते हैं ना, की से गाड़ी में नहीं। हाँ जब रुकी होगी गाड़ी, वो भी इमरजेंसी हो है ना, ऐसे पेनल्टी पड़ती है अगर बिना मतलब के खोलो है ना, वो खुलेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा तो दोस्तों नई दिल्ली से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी तेजस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे जो है अपना गाज़ियाबाद जंक्शन। दोस्तों गाज़ियाबाद है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश भी है अगर आप दिल्ली से या उस साइड से आते हो। बाकी गाज़ियाबाद जंक्शन का स्टेशन कोड है GZB और 2 मिनट रुकेगी हमारी तेजस एक्सप्रेस। और क्या आपको पता है जो अपना गाज़ियाबाद है जंक्शन क्यों है? क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी मथुरा वाली जाती है, एक रेवाड़ी वाली जाती है, पीछे से दिल्ली वाली आ रही है और एक जाती है यहाँ से कानपुर वाली। अभी हमारी ट्रेन कानपुर वाले रूट पे जाएगी। बाकी भाई अंदर चले जाते हैं, क्या पता ट्रेन रुके कि नहीं रुके, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम सेफ हो जाते हैं अंदर जाके। और जो मेरे को पैसेंजर है ना एक भैया, वो भी मतलब उनकी भी गाड़ी छूटने वाली थी, बस एक मिनट एक सेकंड का फ़र्क रह गया था, बोल रहे थे पीछे से आए थे वो, बाकी इसलिए मैं अंदर आ गया भाई। दोस्तों अगर ट्रेन की कोच कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें 12 लगे हैं चेयर कार के कोच, 2 लगे हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा और फेयर भी आपको अगले स्टेशन पे इसका बताऊंगा। देखिए डिपार्चर गाज़ियाबाद से, ये देखिए फिर दरवाजे बंद। तो चलिए अब आपको टूर करवाते हैं वॉशरूम का, ठीक है? जैसे आप आते हो तो सामने आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा, ऊपर आपको कैमरा मिलेगा, यहाँ पे लाइट मिलेगी और यहाँ पे डस्टबिन यूज़ कैसे करना है भैया? डस्टबिन ए वाला ख़राब है क्या? ये ख़राब हो गया, वरना फ्लैप वाला था, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेंसर वाला था, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। तो चलिए वॉशरूम टूर करवाते हैं अभी आपको, ठीक है? वॉशरूम ये मैं इंडियन स्टाइल वॉशरूम के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है? तो देखिए इसका फॉल है, फ्लश बटन है जो वो मॉडर्न स्टाइल का है, ठीक है? बाकी ये ऊपर स्मोकिंग डिटेक्टर लगा हुआ है। बाकी इसका वॉश बेसिन देखिए क्लीन है एंड वाटर टैप रनिंग में है, लिक्विड सोप में सोप है, यहाँ पे आप ट्रिमिंग वगैरह कर सकते हो। देखिए ये भी वर्किंग में है, बाकी मिरर देख सकते हो कैसा है आप भी बता दो भाई, क्लीन है मिरर और एक यहाँ पे लाइट लगी हुई है। यार हर बार बताने में थोड़ा हेजिटेशन होती है, फिर भी बोल देता हूँ, एसी में यात्रा करो तो वॉशरूम क्लीन ही होता है। ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ कि मैं एसी में यात्रा कर रहा हूँ
वॉशरूम क्लीन ना मिलो। गाजियाबाद से डिपार्चर। अभी आपको ट्रेन की स्पीड बताएंगे भाई, ठीक है? चलिए चलते हैं अंदर। बाकी खाना भी हमारा ऑलमोस्ट सॉरी सर रेडी हो चुका है आने के लिए। 4:24 हो रहे हैं और अभी हमें सर्व हो रहा है। बाकी ये हमारा स्नैक्स, स्नैक्स में उन्होंने एक केक दिया, ये नमकीन है। और ये समोसा है एक पीस, साथ में ये जूस भी है। एंड ये अपने कोक पैसेंजर हैं। भैया क्या नाम है? हाँ तो ये भी लखनऊ जा रहे हो? ये भी लखनऊ जा रहे हैं। कैसा लग रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम आ रहे हो इसमें या पहली बार? बहुत बार, बार इसी। ये भैया इसमें जाते रहते हैं बट हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तेजस में, और बहुत फेमस लेकिन तेजस में फर्स्ट टाइम। बाकी इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अगर आप लेट आते हो ना तो भाई आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे सदा के लिए। ये दूसरी ट्रेन नहीं है कि इसका मतलब गेट खोलेंगे, ठीक है? कोशिश करिए कि 10-15 मिनट पहले ही पहुंच जाइए, है ना? कॉफ़ी कॉफ़ी। सो भैया ये पूछ के मतलब काफ़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं भैया IRCTC वाले। पूछ के बोल रहे हैं चाय लेनी है, कॉफ़ी लेनी है। बाकी जूस हमने ख़त्म कर दिया। बाकी भाई अभी कॉफ़ी बनाते हैं हम। ये देखिए एक नेस्ले की कॉफ़ी दी है, अमूल गोल्ड का दूध दिया है, ये शुगर है, उत्सव बस। एंड ये हम मिक्स करने वाले। सो ये देखिए हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी। ये हमारा समोसा, आपने खा लिया समोसा? कैसा बना था? ठीक है ना? ठीक। रेटिंग 10 out of 8 समोसे में? हाँ 10 out of 5 हाँ। ये अंकल भी हैं। अंकल जी आप भी वहाँ पे जा रहे हो? लखनऊ? ये कानपुर जा रहे हैं। और आप मतलब समोसे को कितनी रेटिंग दोगे? 10 कानपुर के ना, हाँ कानपुर में बहुत अच्छा मिलता है स्ट्रीट फूड्स को, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे अगर हम जाएंगे, ठीक। देखिए भाई अभी आपको चेक करवाते हैं स्पीड। बाहर तो काफ़ी लग रही है लेकिन जैसे आप अंदर देखते हो, एंड सर टिकट चेक कर गए हमारी और स्पीड देखो भाई 128 के लगभग दौड़ रही है। एंड मुझे पता भी था कि ये गाज़ियाबाद के आगे आगे स्पीड पकड़ेगी क्योंकि भाई अब ये कानपुर तक ऐसे ही जाएगी, आई थिंक सो। देखिए बाहर व्यू काफ़ी बढ़िया है लेकिन हम ट्रैक्स की जो साउंड है उसको मिस कर रहे हैं क्योंकि भाई गेट बंद है और मैं बहुत मिस कर रहा हूँ ट्रैक की साउंड को। गाड़ियों का हमने क्रॉसिंग दिखानी थी वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं यार। देखिए भाई इवनिंग व्यू अंदर से ही इंजॉय करवा रहा हूँ दोस्तों आपको मैं, अब कर भी क्या सकते हैं यार। ट्रेन की स्पीड 130 के आसपास होगी, मैं उस साइड से भी देखते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए भाई ये बैठ चुका हूँ मैं इधर और वो मतलब अंदर बैठे बैठे यार पीठ है ना कमर है ना ये दर्द करने लगी, तो मैंने सोचा ऐसे ही मतलब इधर का व्यू एंजॉय करते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे बैठ के।
अपने भैया हैं, तो ये सामान सर्व करते हैं जो भी ट्रेन में आपको खाने पीने का मिलता है। तो क्या आप बताओ कि एक कोच में कितनी प्लेट लगती है? एक कोच में 78 प्लेट लगती है और पूरी ट्रेन में 900 है ना, पूरी ट्रेन में 900 तक का प्लेट लग जाती है। 7:20 हो रहे हैं और अभी हमें सर्व हो गया डिनर रात का, अभी इसको अनबॉक्स करेंगे भैया ही करेंगे इसको अनबॉक्स। चलिए भाई अनबॉक्स करते हैं अपना खाना। ये इन्होंने डाली है इसमें रोटी, इसको बाद में अनबॉक्स करते हैं। ये है भाई चावल, ये देखिए ये चावल आ गया, ये आ गया हमें। इसमें नॉन वेज का ऑप्शन नहीं मिलता ना? नॉन वेज का ऑप्शन है, ऑप्शन किया था। हाँ मैंने भी वेज ही किया था। देते हैं ये है भाई अभी अभी ना हाँ, ये आ गए सूखी सब्जी मिक्स वेज एंड ये दही है। अब बताओ इतने बड़े शरीर में इतना पेट भरेगा हमारा? नहीं भरेगा। तो भूख अंकल की शिकायत है कि कम मिलता है ना खाना, भूख मर जाती है। हाँ तो अभी भूख मर जाती है तो अंकल ने घर जाके ही खाएंगे अंकल खाना, बट काफ़ी अच्छे हैं अंकल। और अंकल जब कानपुर पहुँचेंगे तो हमें चमड़े की बेल्ट दिलाएंगे, ठीक है अंकल जी? तो अंकल ने तो भाई तय कर लिया, वो तो खाएंगे नहीं। चलो हमारे साथ थोड़ा सा ट्राई कर लो, कर लो थोड़ा सा कर लो ये। नहीं, हमको खाना कुछ ही कर लो ट्राई, ऐसे अच्छा नहीं लगता। भैया वाले ट्राई कर रहे हैं, भैया बताओ टेस्ट। टेस्ट ठीक होता है, सही होता है। सही है हाँ। खा लो अंकल एक रोटी। नहीं। चलिए भाई टेस्ट करके बताते हैं, रेटिंग भी देंगे हम। पनीर अच्छा है भाई, है ना? पनीर बढ़िया है। सो खाना खाने के बाद अभी मीठा ट्राई करते हैं, वेनिला की मदर डेरी आइसक्रीम। अच्छी है भाई, अभी आपको सीधा कानपुर मिलते हैं जो कि इसका सेकंड हॉल्ट है। तो दोस्तों नई दिल्ली से लगभग 440 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी तेजस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट पे, दूसरे और फाइनल हॉल्ट पे जो अपना कानपुर सेंट्रल। इसका स्टेशन कोड है CNB और 5 मिनट का स्टॉप है हमारी ट्रेन का कानपुर सेंट्रल पे। लेकिन हमारी जो तेजस थी उसने हमें यहाँ पे कितने मिनट पहले पहुँचा दिया, 25 पे पहुँचा दिया, यानी कि 10 मिनट बिफोर ही पहुँचा दिया कानपुर सेंट्रल पे। और दोस्तों जो अपना कानपुर सेंट्रल है ये जंक्शन भी है। जंक्शन क्यों है? क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी सीधी जाएगी प्रयागराज वाली, एक जाएगी लखनऊ वाली जिस रूट पे हमारी ट्रेन जाएगी, और एक जाएगी यहाँ से झांसी वाली, और एक दो ब्रांच लाइन भी जाती है पीछे से, पता ही है आपको टुंडला वाली लाइन आ रही है। तो 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है अपना कानपुर, और जो अपना कानपुर है ये जाना जाता है चमड़े के उद्योग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लैदर का काम होता है बहुत मतलब अच्छा काम होता है, और लैदर के जो आइटम्स होती हैं जैसे मेंस के वॉलेट हो गए, बेल्टें हो गई, वो सब यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलते हैं अगर आपको पहचान हो तो। बाकी इसको मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका आपको फेयर बताऊंगा, ठीक है, अगले स्टेशन पे। तो इसमें दो क्लासेस मिलेगी, चेयर कार जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ, और इसमें एक होता है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। अगर आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में यात्रा करते हो एंड टू एंड, तो आपको पे करना होगा लगभग 2300 यानी कि 2300 रुपीज़। और अगर आप शेयर कार में यात्रा करते हो तो आपको पे करना होगा अराउंड 1125 रुपीज़ पे करने होंगे अगर आप शेयर कार में यात्रा करते हो। और हाँ, इसमें आपको खाने में वेज और नॉन वेज दोनों मिल जाएंगे, तो आपकी मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हो।
8 बज के 40 मिनट हो रहे हैं अपने राइट टाइम पे मिशन में। देखते हैं कि बस से ले ले और दरवाजे भी बंद हो गए भाई। कानपुर सेंट्रल और बाकी जो अपनी ट्रेन थी वो 70% मतलब लोग रह गए हैं और 30% के आसपास देखिए ऑलमोस्ट सीटें हैं वो खाली हो चुकी हैं। मतलब तब तो आगे आ ही जाएंगे इसमें क्या। सो दोस्तों 10:27 हो रहे हैं और 10:15 पे टाइम हमारी तेजस का था लखनऊ जंक्शन पे, लेकिन भाई क्या हुआ ये 9:30 पे पहुंच गई थी, 5 किलोमीटर पीछे इस ट्रेन को खड़ा कर दिया था। बाकी जानबूझ के ये ट्रेन लेट हुई थी, वरना होना नहीं था इस ट्रेन ने लेट। और काफ़ी अच्छी जर्नी रही आज की हमारी, बहुत बढ़िया। अभी हम हैं छोटी लाइन लखनऊ में, अभी बड़ी लाइन दूसरी साइड है, दो रेलवे स्टेशन है मतलब आसपास बिल्कुल एक ही है, लेकिन इस साइड और उस साइड है। और ये जर्नी हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलेंगे आपको एक बड़ी खूबसूरत यात्रा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें। और आपकी कौन सी फेवरेट ट्रेन है ये भी कमेंट करके बताएं, जब मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करें, यूज़र आईडी आपको पता ही है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।